नंबर थ्री, हम प्रेशर के ऊपर कुछ इलुस्ट्रेशन करेंगे, और फोर्थ, प्रेशर के ऊपर हम असाइनमेंट करेंगे। ये हमारा आज के लेक्चर का मकसद है। सबसे पहले हम फोर्स के ऊपर असाइनमेंट को शुरू करने लगे हैं बेटे। तो फोर्स असाइनमेंट कंटिन्यूड कंटिन्यूड, फोर्स असाइनमेंट कंटिन्यूड। ओके, सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन, हमारे पास इस असाइनमेंट में एक पैराग्राफ है जिसमें टाइटल है द माइटी फोर्सेस। कोई बच्चा आ सकता है फ्रंट पे जो इसको पढ़ सके? एनी बॉडी डेयरिंग हु कैन कम ऑन द फ्रंट? अरे, नॉट इवन ए सिंगल चाइल्ड आउट ऑफ द 60-70 स्टूडेंट्स। यस, वन डेयरिंग चाइल्ड इज कमिंग। हाँ बेटे, रीड द माइटी फोर्सेस व्हाइल स्टैंडिंग क्लोजर टू द माइक। प्लीज Okay, स्टार्ट। वंस अपॉन, sir. Once upon a time, in a small town named Mohavali, there were two best friends, Simran and Lily. They loved exploring the world around them and were fascinated by the concept of forces. One sunny afternoon, Lily combed her dry hair and observed that the comb, when placed on a table, attracted the bits of paper made by Simran while clearing a study table. Excitedly, Simran and Lily began meeting and learning about these forces. They discovered that contact forces are the interaction between objects that are touching each other. They realized that these forces were all around them, influencing their everyday lives. There are many non-contact forces also which act on objects without touching the object. They gathered five objects: a book, a ball, a pencil, a magnet, and a metallic pen. Each object represented a different force. वेरी राइट बेटे, थैंक यू। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूंगा। सभी कुछ बच्चे ऐसे क्लास में बैठे होते हैं, सर आई कैन ऑल्सो रीड बट आई कांट रीड सो फ्लुएंटली एज शी हैज रेड। तो मैं एक आपको मेथड बताता हूँ फ्लुएंटली कैसे रीड करना है। जब भी आपने किसी पैराग्राफ को इंग्लिश में रीड करना है, तो जिस सेक्शन को आप बोल रहे हो उससे दो चार शब्द देखना आगे है, जिसको बोलना है उससे थोड़ा सा आगे देखना है, फिर आपके रीडिंग में बहुत अच्छी फ्लुएंसी आ जाएगी। लाइक वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल टाउन नेम्ड मोहन विले, देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड्स सिमरन एंड लिली। दे लव्ड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड देम एंड वर फैसिनेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस। समझ गए बच्चे? जहां आपने बोलना है उससे दो चार शब्द आगे देखना है, आपका फ्लुएंसी बहुत अच्छा हो जाएगा लाइफ में। अब देखो कि आप अपनी क्लास के बेस्ट बच्चों को कम्पीट करने लगोगे आप। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलुस्ट्रेटेड व्हेन अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल? क्वेश्चन नंबर वन, देयर इज अ फुटबॉल प्लेयर एंड ही किक्स द फुटबॉल, राइट? ही किक्स द फुटबॉल। व्हेन अ प्लेयर किक्स द फुटबॉल, देयर मस्ट बी टच। टच होएगा किसमें? किसमें टच होएगा बेटे? बिटवीन फुटबॉल एंड फुट, फुटबॉल एंड फुट दोनों में टच आ गया। जब भी टच आ जाए तो कौन सा फोर्स होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। और इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है? क्या इसमें चुंबक है? नो। क्या इसमें क्या कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होएगा बेटे? फर्स्ट क्वेश्चन का क्या ऑप्शन दोगे? शाबाश, योर आंसर। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी? डी ऑप्शन, क्योंकि उसके मसल्ड इन्वॉल्व हो गए हैं, मसल्स, ठीक है। अगर मस्कुलर फोर्स नहीं होएगा तो वो कैसे लगाएगा? फोर्स
लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स अलाउज यू टू पिकअप एन ऑब्जेक्ट? कौन से फोर्स के द्वारा आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो? लाइक मेरे टेबल पे ये पेपर बोर्ड पड़ा है, मैं कौन से फोर्स के द्वारा मैं इसको ऊपर उठा पा रहा हूँ? कैन एनीबॉडी टेल मी? अगर अगर आप आंसर देना चाहते हो, मान लो आपका ऑफर आपका ऑप्शन वन है तो आप सिंगल फिंगर खड़ा करा करो. सेकंड ऑप्शन है तो दो फिंगर खड़ा करो. थर्ड ऑप्शन है तो तीन करो. डी ऑप्शन है तो फोर करो. ओके कुछ ना कुछ जवाब दिया करो. व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स अलाउज यू टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट? शाबाश. विच ऑप्शन? मस्कुलर फोर्स. सो सेकंड क्वेश्चन मस्कुलर फोर्स. देखो बेटे, अगर ये लड़का है, योर अटेंशन, ये लड़का है, उस लड़के ने अपने हाथ से ये वाली ये वो अपने हाथ से ये वाली बकेट उठाना चाहता है, तो बकेट उठाएगा, तो बकेट उठाने के लिए उसके मसल यूज हो गए, तो विच कौन सा फोर्स हुआ बेटे? मस्कुलर फोर्स. ओके लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन कौन बच्चा बताएगा? थर्ड क्वेश्चन, व्हेन ए बॉल स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस व्हिच फोर्स कम्स इनटू एक्शन? शाबाश. कौन बच्चा बताएगा मेरे को? इज देर एनी स्टूडेंट बाय द नेम युगम? युगम, हाँ बेटे युगम का बच्चा. हाँ जी परीक्षा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश. सो जब एक बॉल है बेटे, उसको हमने किक लगा के छोड़ दिया, तो बॉल इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो कांटेक्ट में दोनों के कांटेक्ट सरफेस पर, यहाँ पर जहां पर टीचर आपको व्हाइट कलर से शेड दिखा रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. सो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये बॉडी थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन सही हुआ. थर्ड क्वेश्चन गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए मैग्नेट अटैच टू द लोअर साइड ऑफ ए मेटेलिक टेबल. लिली कुड नॉट पिक द मेटेलिक पेन इजीली. दिस शोज दैट पेन, ये हमने पिछली बार करा था शायद बटे, अगर ये टेबल है ना टेबल, तो उसके यहाँ पर नीचे हमने मैग्नेट चिपका दिया है, तो ये मैग्नेट ना मेटल के पेन को पकड़ लेता है. ये हुआ हमारा मैग्नेट, और इसके ऊपर हमारे पास ये व्हाइट कलर का पेन पड़ा है. दिस इज योर पेन, मेटल पेन. ओके तो जो हमारा चुंबक है वो इसको पकड़ लेगा, मैग्नेटिक फोर्स हुआ बटे ये, ठीक है. सेकंड, मैग्नेट क्या दूर से किसी चीज को पकड़ लेता है? हाँ जी बिल्कुल पकड़ लेता है, नॉन कंडक्ट कॉन्टेक्ट फोर्स है, राइट है बटे. मैग्नेट इज ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस, यस. तो इसका बी और सी हो गया बेटे, ठीक है. तो बी भी सही हुआ, सी भी, बी बी एंड सी दोनों सही हुए. ये कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फोर, डी ऑप्शन. आपने बेटे याद रखना है, जो मैग्नेट होता है ना मैग्नेट बेटे, ये तीन मेटल्स को बड़ा अच्छा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. एक का नाम होता है निकल, दूसरे का नाम होता है कोबाल्ट, तीसरे का नाम होता है आयरन. इनके सिंबल है याद रखने हैं, आयरन का सिंबल होता है Fe, क्योंकि किसी दूसरी लैंग्वेज में इसको फेरस बोलते हैं, फेरस. Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों मेटल को मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है.
और इन तीन मेटलों के बिना और कोई मेटल नहीं होता। जो मेटलें चुंबक की तरफ बहुत जोर से खींची जाती हैं, उन मेटलों को कलेक्टिव नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया बेटे? फेरो फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस, फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस। ओके, याद रखना। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश ओके बेटे, नाउ वी आर मूविंग टू दी एमसीक्यूज। ओके, कौन बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देगा? अ गर्ल इज पुशिंग ए बॉक्स टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन शुड हर फ्रेंड पुश द बॉक्स सो दैट इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद लीनियर फोर्स। बेटे, अगर उसने ये फोर्स को ईस्ट की तरफ से जोर लगाना है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ईस्ट की तरफ ही लगाना पड़ेगा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन हुआ। इनटू द सेकंड, विच ऑफ फॉलोइंग चेंजेस बैट्समैन हिट्स द क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल को क्या क्या चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन, शेप, साइज, स्पीड, क्या चेंज होएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और स्पीड भी चेंज हो जाएगा, लेकिन साइज और शेप नहीं चेंज होएगा। क्यों? क्योंकि बॉल टूट भी नहीं रही, और जो क्रिकेट की बॉल होती है वो हार्ड होती है, ऐसे स्पॉन्जी बॉल तो होती नहीं है कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो क्रिकेट की बॉल में कौन कौन सी चीजें चेंज होएंगी? वो होएगा एक्चुअली क्वेश्चन में बी और डी, दो ऑप्शन दिए बेटे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शावल प्लीज कम ऑन द फ्रंट, आई विल ओके अंशिका प्लीज कम ऑन द फ्रंट ऑन द माइक एंड रीड द थर्ड क्वेश्चन फॉर मी। अंशिका बच्चे, प्लीज कम ऑन द फ्रंट एंड रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड क्वेश्चन फॉर मी। सर, हाँ शीट वी हैव टू डू द न्यू शीट ऑफ प्रेजेंट जी, सर, दिस शीट इन द लास्ट क्लास वी हैव टू डू द शीट ऑफ प्रेजेंट ओके, ये सारा कवर हो गया था हमारा। हाँ बेटे, ये सारा कवर हो गया था ना, ये सारी। ओके, फिर तो फिर प्रेशर का करते हैं बेटे, लेट्स ग्लूकोज। बैठो बेटे, अंशिका बैठो, ये दूसरी क्लास में आधा हुआ था, फिर इसका मतलब मेरे को गलती लग गया सेक्शन का। नो प्रॉब्लम, लेट्स डू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर नाउ। सर, जी प्रीवियस में 5 आपने होमवर्क दिए थे तो वो डिस्कस करना लेफ्ट है ओके ओके, इसी इसी में 5 क्वेश्चन डिस्कस। बैठो फिर, बैठो फिर, बैठो। सर। अच्छा, लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिफ्थ क्वेश्चन बेटे, जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन, उसका हमें डी ऑप्शन सही है, फिफ्थ में डी ऑप्शन। क्योंकि मैग्नेट जो होती है, अगर सिमिलर पोल्स होएंगे तो वो रिपेल की करेगी। देखो, नॉर्थ नॉर्थ, रिपेल रिपेल, इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस भी रिपेल करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये हो गया मैग्नेटिक, दैट इज व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग फ्रीली इन द स्पेस, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम? There is no force of gravitation between them since they are in space. The force of gravitation between them is extremely weak due to the absence of gravity in the space. The force of gravity between them is same as it would be on the Earth. The gravitational force between them depends upon their masses and the distance between them. बताओ। ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज एक्सट्रीमली वीक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस
बट शाबाश, जो हमारा स्पेस है उसके अंदर हमारे पास क्या चीज नहीं है? ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो बेटे, बिल्कुल सही। अगर हमारा अर्थ के ऊपर दो चीजों में बहुत ज्यादा मास है, तो ये मान लो फुटबॉल पड़ा है या अर्थ पड़ा है, दोनों के मासिस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। जितना इनका प्रोडक्ट ज्यादा होता है ना बेटे दोनों का, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है? लेकिन जब हम स्पेस में चले जाते हैं, स्पेस में, तो स्पेस में एक पर्सन ये खड़ा, एक पर्सन ये खड़ा, और नीचे ये अर्थ तो है ही नहीं, ये प्लेनेट तो है ही नहीं है वहां पर स्पेस में, नो प्लेनेट। तो इसका मतलब है जो दोनों मासिस हैं दोनों पर्सन्स के, M1 और M2, इनके इनका मास तो बहुत कम है, बहुत कम है, तो मल्टीप्लीकेशन दोनों मासिस की बहुत कम होगी, वेरी लेस, इसलिए फोर्स भी वेरी लेस होगा। ओके, सो बिल्कुल सही आंसर बताया इस बच्चे ने, सिक्स्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन। क्वेश्चन, एंड फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, कोई कोई भी चीज अगर नीचे गिरती है, जैसे मेरा मार्कर पकड़ा हुआ है, नीचे गिरेगा क्योंकि उसको अर्थ खींच रही है, तो दो मास, इसका मास हो गया और अर्थ का मास हो गया, दोनों में अट्रैक्शन, द फोर्स बिटवीन अट्रैक्शन, द फोर्स बिटवीन मासेज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 7 में अगर कोई पत्ता नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो पत्ता जमीन की तरफ गिर रहा है, ग्राउंड की तरफ, तो आंसर हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ठीक इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटे? बी ऑप्शन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटे? अंडर विच कंडीशन ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, बाय फोर्स, बाय इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, बाय नॉट अप्लाइंग फोर्स, बाय रिड्यूसिंग फोर्स। अच्छा रुको रुको रुको, देखो हमने डायरेक्शन चेंज करना है, डायरेक्शन हमने उसको स्लो या तेज करना है, नहीं करना। बाय अप्लाई, नॉट अप्लाइंग फोर्स, नो अप फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, बाय इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन, कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये कार अपना, ये कोई चीज ऑब्जेक्ट है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, बताओ। सर, भाई बोलो बेटे, आ जाओ वो माइक पे, आओ माइक पे, ऐसे इंक्रीजिंग बताओ, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो फ्रिक्शन बेटे। इंक्रीज, फ्रिक्शन इंक्रीज करने से तो बॉडी रुकेगी, फिर बोलो, थोड़ी देर पहले, बैठो बैठो, थोड़ी देर पहले हमने क्रिकेट वाला क्वेश्चन करा था ना, क्रिकेट आया उस पर शॉट लगाया तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया था और उसका स्पीड भी चेंज हो गया था, हुआ था कि नहीं? बोलो, थोड़ी, कौन सा क्वेश्चन करा था थोड़ी देर पहले, क्रिकेट वाला? और इसका मतलब है हमें बैट के द्वारा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, तो अगर किसी चीज का हमने डायरेक्शन चेंज करना हो, मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो मेरे को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो, ये गुब्बारा है मेरे पास, ये नीचे गिर रहा है, मैंने इसका डायरेक्शन चेंज करना है, लो ये इधर कर दिया फोर्स, तो मैंने अपने हाथ से लगा दिया फोर्स, दैट मीन्स मेरे को फोर्स लगाने से इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ? ए ऑप्शन सही है, बाय अप्लाइंग फोर्स। सो बेटे, अब ये वर्कशीट में 9th क्वेश्चन, ये टग ऑफ वार दिखा रखा है, टग ऑफ वार, एक तरफ ग्रुप 1 है, एक तरफ ग्रुप 2 है, दोनों तरफ तीन तीन बच्चे हैं। अब इस, चूज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, बताओ ग्रुप 1 ने किधर को फोर्स लगाया, लेफ्ट साइड या राइट साइड, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बेटे ग्रुप 1 का,
ग्रुप वन इधर को लगाएगा और ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप टी राइट को लगाएगा। हाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रुप डी वन इज पुलिंग 250 न्यूटन, ग्रुप टू इज अप्लाइंग 300 न्यूटन, व्हाट वुड बी लाइकली द पोजीशन ऑफ टू ग्रुप्स आफ्टर ए मिनट ऑफ पुलिंग। कौन से का ज्यादा है, 300 न्यूटन ज्यादा है, तो इनमें से कौन सी पोजीशन सही है बेटे बताओ। एक सुनो सुनो बार सुनो बेटे सुनो, इसमें एक सेंट्रल लाइन है ना, सेंट्रल लाइन, वो देखो आप ए ऑप्शन में देखो कहां पर पहुंच गई। ए ऑप्शन वाले तो लाइन पे आ गए हैं, हार भी गए हैं ए ऑप्शन वाले है ना, बी बी ऑप्शन वाले जीत गए हैं, क्योंकि ये वाला फोर्स है 300 न्यूटन और ये है 250 न्यूटन, तो उधर को 50 न्यूटन ज्यादा आएगा, तो जो मिड लाइन होती है डॉटेड लाइन, वहां पर ये लेफ्ट साइड वाला आ जाएंगे और ये स्ट्रिंग नहीं अच्छा पकड़ सकेंगे, और ये राइट साइड वाले ग्रुप टू विनर। तो इसका आपको ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर वन था, ये टू। नाउ वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर देखो, प्रेशर हम प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, नया कॉन्सेप्ट, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, कुछ इलुस्ट्रेशन करूंगा मैं और कुछ हमारे पास, फिर कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। योर अटेंशन। शाबाश, योर अटेंशन बेटे। सबसे फर्स्ट लर्निंग पॉइंट थोड़ा सा बताना पड़ेगा मेरे को, कि प्रेशर का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन प्रेशर के बारे में ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इंट्रोडक्शन में पहली चीज हम ये बताएंगे अपने बच्चों को कि प्रेशर का सिंबल होता है पी। दूसरा, प्रेशर को मापने के लिए इंटरनेशनल यूनिट जो होता है जिसमें यह मापा जाता है वो होता है पास्कल। ठीक ठीक है, तीसरी बात है प्रेशर की नेचर क्या होती है, क्या इसकी कोई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो आपने बोला सर इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम प्रेशर को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर। अगर ये दोनों होते तो हम इसको वेक्टर बोलते, लेकिन प्रेशर इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और क्या बात बताएंगे प्रेशर के बारे में। अगर ये लड़का यहाँ जमीन पे खड़ा हुआ है तो इसके ऊपर हवा का एनवेल्प है, एयर एनवेल्प, एयर एनवेल्प, एटमोस्फियर ने इसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है बच्चे। ये जो प्रेशर होता है इसको हम एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर ऑन द ग्राउंड सरफेस बाय द एटमोस्फियर इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। और इस प्रेशर का कितना वैल्यू होता है उसको हम 1 एटमोस्फियर बोलते हैं, ATM। 1 एटमोस्फियर की वैल्यू सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, कितनी, 101325 पास्कल, 101325 पास्कल के बराबर होता है प्रेशर। ओके, ये था हमारा लर्निंग पॉइंट वन। लर्निंग पॉइंट टू क्या है बच्चे, लर्निंग पॉइंट टू, फिर हम असाइनमेंट करेंगे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे। लर्निंग पॉइंट टू में मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूं कि इस प्रेशर को देखो, इसमें मैंने 3 पॉइंट बताए, 1 2 3, ठीक है, याद रखने हैं। अब मैं अपने बच्चों को बताने वाला हूं कि जो हम अच्छा प्रेशर है बेटे, वो प्रेशर
फॉर्मूला क्या है? देखो, प्रेशर इज इक्वल टू अपॉन एरिया। बेटे बेटे, कितना फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये पेपर बोर्ड है, ठीक है? इस पेपर बोर्ड के ऊपर ये मेरे पास रिमोट है बच्चे, है ना, प्रोजेक्टर का। तो इस रिमोट का ये नीचे से देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कुछ। मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 मीटर स्क्वेयर, एग्जाम्पल ले रहे हैं जस्ट। और मैंने इसको 200 न्यूटन फोर्स से दबा दिया ऐसे, 200। तो 200 न्यूटन, ये क्या हो गया, 200 फोर्स हो गया। और नीचे मैंने इसका एरिया कितना बोला था, 10 मीटर स्क्वेयर। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो फोर्स कितना लगाया, 200 न्यूटन, एरिया कितना लगाया, 10 मीटर स्क्वेयर। तो प्रेशर कितना आ जाएगा बेटे, इसको काट के प्रेशर आएगा 20 पास्कल। ओके, इस तरह से निकालते हैं। यहां से यह भी पता लग गया कि फोर्स को जब भी पुट करना है न्यूटन यूनिट में करना है, न्यूटन, और एरिया को जब भी पुट करना है तो वो मीटर स्क्वेयर में पुट करना है। ओके, तो सभी बच्चों को, जो अच्छा बच्चा है, समझदार बच्चा है, उसने ये फार्मूला अभी रट्टा लगा लिया होगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अभी कर लो एकदम से। इस फार्मूले से हमें और क्या चीज पता लगती है बेटे? इस फार्मूले से मेरे छोटे छोटे बच्चों को ये बात पता लगेगी, कौन सी, योर अटेंशन, के यहां से साफ पता लगता है एरिया डिनोमिनेटर में है और प्रेशर ऊपर है। जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। एरिया कम करने से प्रेशर ज्यादा होता है, इसका एग्जाम्पल बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और जितना फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर साइड पे हैं, जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। इन दोनों चीजों को मैं अपने बच्चों को एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। थर्ड वाला पॉइंट, योर अटेंशन, थर्ड वाले पॉइंट की टीचर एग्जाम्पल बताने लगा है। अब ध्यान से सुनना बेटे, ये एक बच्चा खड़ा है, मान लो आपकी क्लास का बच्चा है, मान लो इसका नाम है प्रिंस, ठीक है? तो ये प्रिंस यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसका कोई स्कूल की तरफ से टूर है, स्कूल की तरफ से टूर है। तो इसके मम्मा कहते हैं, बेटे ये वाला अटैची ले जाओ, इसमें अपने कपड़े डालो, ऑलराइट, ये वाला अटैची, ये कहते हैं, इसके मम्मा कहते हैं ये वाला, मदर ये वाला कहते हैं, लेकिन इसके पापा कहते हैं, बेटे ये मत लेके जाओ, तुम ये वाला ब्रीफ केस ले जाओ, ये वाला अटैची ले जाओ, इसके पापा ये वाला कहते हैं, ठीक है, राइट? तो आपने देखा कि इसके पापा ने जो इसको ब्रीफ केस दिया, उसका हैंडल देखो, उसका हैंडल मोटा है बेटे, उसका हैंडल वाइड है। और जो मम्मा कह रहे हैं उसका नैरो हैंडल है, नैरो हैंडल। तो नैरो, अब ये बच्चा ध्यान से सुनना, जैसे इस हैंडल को ऐसे हाथ डालेगा तो उस हैंडल में यहां पर एरिया कम होएगा। देखो वेट तो बराबर ही है दोनों केसेस में, कपड़े बराबर डालेगा, वेट का मतलब फोर्स, वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है बेटे, ठीक है? तो दोनों में भार तो बराबर हो गया, लेकिन नैरो वाले हैंडल में एरिया कम होगा, इसमें एरिया कम होएगा, जो कौन से ब्रीफ केस में, कौन से अटैची में, जो मम्मा कह रहे हैं, जब एरिया कम होएगा तो इसको उठाने में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और ये बच्चा उसको उठा के जल्दी थक जाएगा। तो इस बच्चे को कौन सा वाला अटैची लेके जाना चाहिए, मम्मा की सजेशन वाला या पापा की सजेशन वाला? बिल्कुल पापा की सजेशन वाला, क्योंकि इसमें हैंडल बड़ा है तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाएगा उसके हाथ के ऊपर और उसको उठाना आसान हो जाएगा।
आया? इसलिए सर, जो अच्छी यस अच्छी कंपनी है, वीआईपी, अमेरिकन टूरिस्ट, ठीक है, ये इनके जो अटैची होते हैं, इनका जो अटैची होता है उसका हैंडल देखना, आप कभी भी मोटा होता है इनका हैंडल। जो देसी कंपनियां होती हैं वो हैंडल में पैसे बचाने लग जाती हैं, पतला सा लगा देती हैं, एक बार कस्टमर लेता है दोबारा खरीदता ही नहीं। क्लियर है? और भी कुछ बताते हैं प्रेशर के बारे में? इतना समझ आया मेरे बच्चों को? ओके, योर अटेंशन। थोड़ा सा प्रेशर के बारे में एक और देखो। मान लो मेरे पास ये गुब्बारा है, ठीक है, मैंने यहां से पकड़ रखा है, इसके अंदर क्या है, एयर है। तो एयर इस बैलून में सारी तरफ प्रेशर डालेगी, ओके, मल्टी डायरेक्शन ये प्रेशर, ठीक है। और कोई एग्जांपल दें? ये देखो, मैंने एक कंटेनर में ऐसे लिक्विड डाल दिया, लिक्विड पानी भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये लिक्विड इस कंटेनर के वेट के ऊपर प्रेशर डालता है, प्रेशर, ओके। ये प्रेशर होता कितना है? ये प्रेशर होता है, ध्यान से सुनना, प्रेशर कितनी हाइट तक ये लिक्विड भरा हुआ है, एच, उसको लिख दो। और हमारी धरती के ऊपर ग्रेविटी कितनी है, उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखना है? लिक्विड कितना भारी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी, 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 हाइट, ग्रेविटी, इन तीनों को लिख दो। तो ये बनता है प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। आपको आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पानी लगाऊंगा तो डेंसिटी कम है तो प्रेशर कम आएगा। अगर मैं उतनी ही हाइट तक मरकरी को भर दूं, मरकरी, मरकरी पानी से 13.5 गुना ज्यादा डेंस होता है, 13.5 टाइम्स मोर डेंस। तो ये प्रेशर 13.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी 13.5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी पानी के मुकाबले, ओके। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम याद रखना है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी फिक्स होती है धरती पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जल्दी कैलकुलेशन लेना है, अप्रोक्सीमेशन में इसको आप 10 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, अगर जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। ये ओके प्रेशर का फार्मूला है बेटे। और एक चीज, शाबाश, योर अटेंशन। अब मैं आपको थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं। मैं अपने टेबल पे ध्यान से देखना, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं हम, ठीक है बच्चे। मैं जूम कर लेता हूं पहले अपने टेबल पे, बच्चों को ध्यान से देख, कुछ एक्टिविटीज करते हैं। आर यू एबल टू सी माई टेबल? सर, यस ये देखो बेटे, अब मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास एक पानी से भरा हुआ गिलास है, राइट, पानी से भरा हुआ गिलास है। मैं इस गिलास को इस टेबल पे रखा, राइट। अब मैं इसमें अपने बच्चों को प्रेशर की इलुस्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं। मेरे हाथ में देखो क्या है, कैन एनी बॉडी टेल व्हाट इज दिस? बॉल टेबल टेनिस बॉल। जब मैं इस टेबल टेनिस बॉल को इस लिक्विड में डिप करूंगा तो ये लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को दो नाम दिए जाते हैं, या तो उसको आप अपवर्ड थ्रस्ट बोलते हो, अपवर्ड थ्रस्ट, या उसका नाम है बायोट फोर्स, बायोट फोर्स। अभी अभी हाँ, बी बी यू ओ वाई ए एन टी, बी यू ओ वाई ए एन टी, बायोट फोर्स जब ऊपर को लगेगा और बॉल का कुछ ना कुछ एरिया तो है ही है उसके टच में, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बनेगा। मैं इस बॉल को डिप करूंगा, उस प्रेशर की वजह से ये बॉल वापिस ऊपर को आएगी। ध्यान से देखना, मैंने ये डाला, इसको मैंने डुबोया, देखो डुबोया, जैसे ही मैंने इसको छोड़ूंगा तो बॉल एकदम से ऊपर आएगी।
देखा ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने इसको ऐसे दबा रखा है, इस वक्त तो मेरे हाथ के द्वारा अप्लाइड फोर्स और नीचे से पानी के द्वारा अपवर्ड फोर्स फोर्स ने बैलेंस कर रखा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हैं, इसलिए ये बॉल हिल नहीं रहा। जैसे ही मैं अपनी फिंगर्स निकालूंगा बाहर, तो अप्लाइड फोर्स मेरे हाथ के द्वारा मस्कुलर फोर्स 0 हो जाएगा और नीचे से अपवर्ड फोर्स इसको अपवर्ड फोर्स लगेगा, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो उस प्रेशर से अपवर्ड प्रेशर लगेगा और ये बॉल बाहर को आएगी। फिर देखना मैं छोड़ रहा हूं तो एकदम से बाहर आएगी। गॉट इट? यहां से हमें पता लगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाला फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। और एक बात सुनो, अब मेरे पास ध्यान से देखना, ये मेरे हाथ में एक पेंसिल है, करेक्ट, और इस पेंसिल को एक तरफ से शार्पन है, एक तरफ से फ्लैट है, एक तरफ से गढ़ी हुई है, एक तरफ से नहीं गढ़ी हुई बच्चे। अब अगर मैं इसको इस हाथ अपने हाथ को दबाऊं जिस तरफ से नहीं गढ़ी हुई ऐसे, तो मेरे को कोई खास दर्द नहीं होगा। क्यों? फोर्स तो उतना ही लग रहा है लेकिन एरिया ज्यादा है। पर अगर मैं इसको घुमा दूं, शार्पर वाला एज आगे कर दूं, उतने ही फोर्स से दबाऊं, तो मेरे ज्यादा दर्द होता है कि नहीं बेटे हैं? क्यों? क्योंकि पॉइंटेड पॉइंटेड टिप का एरिया क्या ज्यादा के मुकाबले कम हो गया, तो जब एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, मेरे को एक बच्चे ने पूछा कि सर जब हम समुंदर के अंदर इतना बड़ा शिप उतारते हैं वो तो डूबता नहीं है, लेकिन अगर हम उसी समुंदर में छोटी सी नेल फेंक देते हैं या पत्थर फेंक देते हैं वो डूब जाता है, ऐसा क्यों? सिंपल, अगर शिप शिप का भार ज्यादा है तो शिप का एरिया भी कितना ज्यादा होता है, प्रेशर अपॉन एरिया, उसमें पानी के ऊपर शिप का प्रेशर कम पड़ेगा। लेकिन अगर हम छोटी सी नेल फेंक देंगे, पत्थर फेंक देंगे, पिन फेंक देंगे, वो समुंदर में क्यों डूब जाती है? क्योंकि नेल का एरिया बहुत कम होता है, राइट? जब हम रेशो निकालते हैं, वेट अपॉन एरिया, नेल का वेट डिवाइडेड बाय नेल का एरिया, तो वो रेशो जो होती है प्रेशर की वो ज्यादा आती है। किस केस में? नेल के केस में, इन कंपैरिजन टू व्हाट? जब शिप समुंदर में होता है उसके कंपैरिजन में, इसलिए शिप तैरता रहता है, वहां पर शिप का प्रेशर कम पड़ेगा और नेल डूब जाएगी क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। गॉट इट? एक चीज और देखो बेटे, मेरे पास ये गुब्बारा है, राइट, और इस गुब्बारे को हमने जब अगर चेक करना हो कि प्रेशर ज्यादा है या कम है, राइट, अगर मैं इसको पेंसिल के नॉन शार्पन एज से दबाऊंगा तो हो, देखो कितना दबा दिया फिर भी ये टूट नहीं रहा, इज दैट क्लियर? देखो फिर से देखो, कितना कितना दबाने पर भी टूट नहीं रहा। हो सकता है पॉइंटेड एंड के द्वारा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, हो सकता है उधर से दबाने से ये टूट जाएगा। फिर से पहले नॉन शार्प एज से देखो, कितना दबाने पर भी टूट नहीं रहा। अब अगर पॉइंटेड टिप के द्वारा मैं अगर दबाऊं इसको तो देखते हैं क्या ये टूटता है। तो क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा है बेटे, राइट। अब हम कुछ इलुस्ट्रेशंस करने के बाद असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट आपके पास पहले ही पहुंच चुकी है, राइट बेटे? प्लीज ओपन दी असाइनमेंट, सभी बच्चे ओपन करो प्रेशर की असाइनमेंट। शाबाश, प्लीज ओपन दी असाइनमेंट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन प्रेशर में। हाँ जी मैम, यू आर ऑडिबल। मैम टाइम इज ओवर, आई नॉट 5 मिनट लेफ्ट, मैम 5 मिनट, नो 9:10 सर, इट इज ऑलरेडी 9:15। ओके ओके
सो एज पर इंस्ट्रक्शंस बाय द टीचर वी आर गोइंग टू डिस्कस द असाइनमेंट इन द नेक्स्ट क्लास. आज का समझ आया बच्चों? थैंक यू, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम. और आप घर से भी करके आना इस असाइनमेंट को. थैंक यू बेटे. बाय.